एसिड सॉइल, कौन सा सॉइल होता है? प्रैक्टिकली स्टैंड पॉइंट से देखिए तो सॉइल का जिसका पीएच 5.5 से कम होता है उसको एसिड सॉइल बोलते हैं। दो क्राइटेरिया यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया है जिससे एसिड सॉइल है कि नहीं है इससे पता चलता है। तो सिंपली अगर हम एसिड सॉइल क्या होता है जिसका 5.5 से पीएच से कम हो उसको एसिड सॉइल बोलते हैं। लेकिन यहाँ दो पॉइंट दिया हुआ है जैसे परसेंटेज बेस सेचुरेशन, पहला है परसेंटेज बेस सेचुरेशन क्या होता है, एक्सचेंजेबल बेस कितना है उसमें अपॉन कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितना है इनटू 100 अगर करेंगे तो इससे आएगा परसेंटेज बेस सेचुरेशन। परसेंटेज बेस सेचुरेशन का एक्सचेंजेबल बेसिस का है या कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का है, सारा का सारा जो यूनिट होता है वो होता है सी मोल या सेंटीमोल। फिर ह्यूमिड रीजन सॉइल जितने भी होते हैं उसमें ज्यादातर सिलिकेट क्ले डोमिनेट करता है और ह्यूमस डोमिनेट करता है और वो एसिड हो जाते हैं। उसका अगर परसेंटेज बेस सेचुरेशन अगर 80 से कम हो, 80% से कम हो तो वो एसिड सॉइल होता है। और गुड कल्टिवेशन सॉइल मतलब उसका 60% तक ऑक्यूपाई होना चाहिए वो कैल्शियम से, मतलब कैल्शियम डोमिनेटेड जितने भी सॉइल होते हैं वो ज्यादातर फर्टाइल सॉइल होते हैं। तो अगर 60% से ज्यादा उसमें अगर कैल्शियम पाया जा रहा है कोई भी सॉइल में तो वो बहुत अच्छा सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है। और गिवन परसेंटेज बेस सैचुरेशन में द पीएच इज नॉर्मली हाईएस्ट जिसमें किसमें रहता है, पीएच में हाइड्रस ऑक्साइड क्ले मिनरल में पीएच सबसे ज्यादा रहता है और इंटरमीडिएट रहता है क्लियोनाइटिक क्ले में और लोएस्ट रहता है 2:1 टाइप क्ले टाइप मिनरल में जो रहता है वो सबसे लोएस्ट रहता है पीएच में एट अ गिवन परसेंटेज बेस सैचुरेशन में। द ग्रेटेस्ट बफरिंग अकर जहाँ सबसे ज्यादा बफरिंग जो अकर होता है वो 50% बेस सेचुरेशन में अकर होता है। बफरिंग कहाँ पे यूनिफॉर्म रहता है, अगर 4.5 और 6.5 के अंदर में रहे तो बफरिंग। बफरिंग क्या होता है, तो बफरिंग होता है कि द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू रिसिस्ट चेंजेस, अगर मतलब उसमें चेंजेस सॉइल नहीं आने दे रहा है, उसका एबिलिटी किसी सॉइल का एबिलिटी उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आने दे रहा, अगर चेंजेस हल्का फुल्का आ भी रहा है तो वो नेग्लिजिबल है तो होता है बफरिंग। तो ग्रेटेस्ट बफरिंग जहाँ पे अकर होता है वो 50% बेस सेचुरेशन में होता है। तो बफरिंग यूनिफॉर्म होता है 4.5 और 6.5 पीएच के अंदर में रहे, इसका मतलब ये हुआ कि सेम अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड रहेगा जब पीएच 5 रहे या 5.5 तक में रहे या 5.5 से 6 तक रहे, मतलब इस रेंज के अंदर जो भी होगा तो रिक्वायरमेंट सेम होगा हर चीज का, क्योंकि वो चेंजेस नहीं आने देता है इस पीएच के अंदर, बफरिंग नहीं होने देता है ज़्यादा। तो पहला क्या था, परसेंटेज बेस सेचुरेशन, जब 80 से कम हो तब वो सॉइल एसिड हो जाता है या कैल्शियम उसमें ना हो तो वो सॉइल एसिड हो जाता है, पहला परसेंटेज बेस सेचुरेशन। और दूसरा जो एसिड का जो दो क्राइटेरिया था, दूसरा क्राइटेरिया वो है पीएच, पीएच मतलब कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना इसमें था। तो मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या रहता है, मोस्टली जो वेरी एसिड सॉइल में क्या रहता है, इज एब्जॉर्ब अल्मोनियम, सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब अल्मोनियम रहता है वो एसिड सॉइल में मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन का रहता है। अल्मोनियम के साथ जब भी वाटर रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन को रिलीज करता है, तो एडसॉर्ब हाइड्रोजन इज द सेकेंड बट माइनर सोर्स रहता है हाइड्रोजन का। तो फिर एसिड सॉइल हैव रिलेटिवली हाई अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल, उसमें एच प्लस और अल्मोनियम रहता है, क्लियोनाइट और इलाइट क्ले मिनरल आर डोमिनेटेड इसमें रहता है जितने भी एसिड सॉइल रहते हैं। फिर सॉइल एसिडिटी एंड उसका पीएच के हिसाब से क्या रहता है, लो एसिडिटी जब रहेगा 6.1 से 6.5 तक रहेगा, मीडियम एसिडिटी रहेगा जब 5.6 से 6 तक रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिटी जब 5.1 से 5.5 रहेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग जब 4.5 से 5 रहेगा और हाईली स्ट्रॉन्ग एसिडिटी रहेगा लेस देन 4.5 रहेगा। तो सॉइल एसिड कब होता है जनरली अगर हम बात करें तो जनरली रहता है जब 5.5 से कम रहता है। तो उसका दो क्राइटेरिया है, कौन कौन से क्राइटेरिया, एक परसेंटेज बेस सेचुरेशन जब वो 80% से कम रहे या उसमें कैल्शियम नहीं रहे या कैल्शियम डोमिनेटेड नहीं रहे 60% तक तो वो सॉइल जो होता है एसिड सॉइल कहलाने लगता है। फिर दूसरा था पीएच, पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या एच प्लस आयंस का होता है। तो जब भी एल्युमिनियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ वो एच प्लस आयंस को रिलीज करता है, एच प्लस करता है जिसके कारण जो एसिडिटी उसका इंक्रीज होता है जिसके कारण ये होता है। तो ये दो प्रोसेस था जिसके कारण वो क्राइटेरिया था जिसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कोई सॉइल एसिड है या नहीं है।